बिहार में हर दिन लगभग 10,000 कोरोना वायरस सैंपल्स की जांच हो रही है। विपक्ष और आम जनता लगातार जांच की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार 10,000 से बढ़कर आगे कितने आंकड़े तक पहुंच पाएगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो पता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एक तरफ जांच तो कम हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों के कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जा रहे हैं जिन्होंने कभी अपना टेस्ट कराया ही नहीं, जिनसे जांच के लिए कभी सैंपल लिया ही नहीं गया। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही का ये ताज़ा तरीन किस्सा रोहतास जिले का है, जहां संझौली प्रखंड में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने कोरोना वायरस के जांच सैंपल लिए बिना ही एक परिवार के 2 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार को यह समझ ही नहीं आया कि बिना सैंपल लिए ही स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें पॉजिटिव कैसे घोषित कर दिया। क्योंकि परिवार ने टेस्ट कराया ही नहीं था, इसलिए उन्हें किसी रिपोर्ट का इंतजार नहीं था। लेकिन अचानक घर पर प्रखंड के अधिकारी पहुंचे और महिला और उसके पति को कोरोना वायरस का मरीज बता दिया और परिवार वालों को होम क्वारंटाइन रहने का आदेश सुनाया। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी कि इस परिवार के सदस्यों का सैंपल लिए बिना ही रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी गई है, विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में स्वास्थ्य कर्मियों ने इस परिवार को फोन के जरिए जानकारी दी कि उनका नाम गलती से आ गया है। ये भाई बात है हमारा कोरोना जांच नहीं किया भाई दे रही और रिपोर्ट दे दे बन जा गलत बात कहले बन जा कल हमार लड़का कहला ना कि मम्मी तुम्हारा कोरोना आया तो हम कहीं हम गए नहीं कि हमारा कोरोना आई बा कैसे तो ये हम कह के फिर कहने की जाए दवाई बता दो। मैंने आप जांच के लिए नहीं गई थी? ना नहीं गई। कोरोना आ गया है? आ गया। जब इस मामले में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। संझौली प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद प्रभारी ने बताया कि महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह जांच कराने आई ही नहीं। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब महिला जाँच कराने पहुंची ही नहीं तो आखिर उस महिला और उसके परिवार वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई? उसको बुलाया गया था लेकिन वो आई नहीं थी और उसके बदले में किसी दूसरे का जांच किया गया था, लेकिन उसका नाम उसमें चेंज नहीं किया जा सका जो आपको कंप्यूटर चलाता है उसके द्वारा, और उसका जो उसको जिसको लोग बोले उसका नाम बदला गया है वहां पर चेंज नहीं, गलती से चेंज नहीं हो सकता। तो जिस महिला का सैंपल गया था उसका नाम वहां नहीं लिखा गया, दूसरी महिला का नाम डाल दिया गया, फिर उस महिला का आप लोग कैसे सुधार करेंगे? तो दिक्कत है, इसको सैंपल लिया गया है, उससे हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं।